दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों जहांगीरपुर के जनरेटर बाजार की पड़ताल दिखा रहा हूं और हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी का यह गोदाम है जिसके मालिक फुरकान भाई हैं। दोस्तों भरोसे और विश्वास के साथ आप यहां से जनरेटर खरीद सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैनोपी वाले जनरेटर दिखा रहा हूं, यानी साइलेंट जनरेटर 10 KV से लेकर के 125 KV के जनरेटर आप बहुत ही सस्ती कीमत पर यहाँ से जनरेटर खरीद सकते हैं। देश के कोने कोने में यहाँ से जनरेटर लोग खरीद कर ले जाते हैं और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, सीधे हम गोदाम के मालिक से पड़ताल करेंगे कौन सा जनरेटर किस कीमत पर आपको यहां उपलब्ध हो सकता है। लगातार मेरे साथ पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और लगातार देखते रहें ट्रैक्टर जनरेटर बाजार हो या खेती किसानी से लेकर कामकाजी बाजार की पड़ताल रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। तो दोस्तों अब देखिए जहांगीरपुर के हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी के कैनोपी वाले जनरेटर बाजार के जनरेटर रहेंगे जी। वो 10 KV से और 125 KV तक के प्रेजेंट में रहेंगे। इससे ऊपर अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको मैं अरेंज करा देता हूँ। फुरकान भाई, ये जो हम आपका जनरेटर देख रहे हैं ये किस कंपनी का है, कितने केवी में है और कौन सा मॉडल रहेगा? ये किर्लोस्कर कंपनी का रहेगा और KVA की बात करें हम तो 125 KVA रहेगा। अगर मॉडल की बात करें तो 2016 मॉडल है और घंटे में बात करें तो 1200 घंटे चला हुआ है। क्या कीमत मानी जिसी? अगर इसकी प्राइस की बात करें हम तो 4,50,000 रुपये का रहेगा। इसके अंदर की कंडीशन कैसी है? सील्ड है, सील्ड है। अभी 1200 घंटे कुछ नहीं होता है इसकी, 15,000 से 20,000 घंटे लाइफ है। बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट है। हाँ, इसमें बैटरी भी है, बाकी अदर जनरेटरों में हमारे में बैटरी नहीं होती। ये इसका फ्यूल कंजप्शन क्या रहेगा? इसका फ्यूल कंजप्शन रहेगा ये 8 लीटर से शुरू करेगा और 10+ जाएगा। अल्टरनेटर इसका जो सब ये किर्लोस्कर है, जो किर्लोस्कर वाले तो सब कुछ अपना ही देते हैं, अल्टरनेटर भी अपना ही है, इंजन भी उन्हीं का है, सब कुछ इनका है। जी फुरकान भाई, हम आपका एक और जनरेटर देख रहे हैं साइलेंट में, ये मीराको कंपनी का जनरेटर है। हाँ जी, ये कितने केवी का है और कितने क्या इसकी इसके बारे में बताइए जरा। ये मीराको कंपनी है, अगर माइलेज की बात करें तो इसका जब माइलेज ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा माइलेज है जी। और ये हमारी इंडिया की कंपनी है, गुड़गांव की कंपनी है और ये 82 KV का जनरेटर है और मॉडल की बात करें तो 2012 मॉडल है। और कितना चल गया होगा जनरेटर कंडीशन इसके अंदर? अगर वर्किंग की बात करें तो 3000 घंटे के समथिंग ये चल गया है। ये काफ़ी कम चला हुआ जनरेटर है। हाँ, 3000 घंटे चला हुआ सेट है। फुरकान भाई, ये जो मीराको कंपनी है और जो कंपनी है उनमें इसके जनरेटर में अंतर क्या है, खास बात क्या है इस मीराको में? नई कंपनी है या काफ़ी दिनों से जनरेटर बना रही है? नहीं, काफ़ी दिनों से बना रही है, लगभग पूरी इंडिया में इनकी सप्लाई है और बहुत अच्छा। और मीराको का माइलेज बहुत अच्छा है। क्या देता है जी ये घंटे में, क्या देता है? अगर हम इसकी फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो ये 6 लीटर से शुरू करेगा, जैसे 82 KVA है, 6 लीटर से शुरू करेगा और 10+ तक जाएगा। तो ये क्या कीमत रहेगी जिसकी भाई? अगर इसकी हम प्राइस की बात करें तो 2,20,000 रुपये रहेगी जी। भाई जी, हम आपका ये जनरेटर देख रहे हैं, आइसर का है जी। हाँ जी, हाँ जी, आइसर का कितने केवी में है जी? ये 10 KV में रहेगा और आइसर का सिंगल सिलेंडर में रहेगा। सिंगल सिलेंडर में है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये कौन सा मॉडल कौन सा होगा जी, क्या इसकी स्थिति रहेगी जनरेटर? अगर इसकी मॉडल की हम बात करें तो 2013 मॉडल रहेगा जी और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि एयर कूल्ड है, इसमें पानी वानी का झमेला है नहीं जी। हाँ, रिजल्ट कंजप्शन भी कम रहेगा, फ्यूल कंजप्शन भी कम है। इसकी कीमत क्या माने फुरकान भाई? इसकी कीमत है, मानिए आप 90,000 रुपये। 90,000 रुपये। गारंटी वारंटी भी रही कुछ इसकी? नहीं, गारंटी एक तो मेरा पूरा अपना वर्कशॉप है जी। और यहीं पूरा अगर किसी जनरेटर में कोई भी कमी है तो पूरी तरह से मैं यहीं ओवरहाल उसको कराता हूँ। लेकिन फिर भी अगर 150 किलोमीटर के सर्किल में है तो मैं देख लूँगा, अगर 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर मतलब तो मैं सर्विस नहीं दे पाऊँगा। और बहुत सारे कैनोपी के जनरेटर हैं आपके पास? हाँ। कौन कौन से हैं, किस किस कंडीशन के हैं ये जनरेटर हम आपका देख रहे हैं? अभी बिल्कुल रेडी करके छोड़ा है आपने जनरेटर, ये कितने केवी में है जी, किस कंपनी का होगा जनरेटर आपका भाई साहब? ये किर्लोस्कर कंपनी का रहेगा, RB33। अच्छा, किर्लोस्कर का। हाँ, RB33 रहेगा, RB33+
और 30 kVA में रहेगा, 25 kVA और 30 kVA में रहते हैं RB33+। जी जी जी। और अगर मॉडल की बात करें हम तो 2012 मॉडल रहेगा, और कंडीशन ठीक है, एकदम सूखा इंजन है। 2012 मॉडल है जी। हाँ, रिपेयर चल रहा है इसमें, विंडो में फॉर्म लगना है, वायरिंग होना है, सब कुछ प्रॉपर करके देते हैं हम, कंप्लीट करके देते हैं आप। हाँ, प्रॉपर। क्या कीमत माने जी इसकी जनरेटर की भाई साहब? ये केवल 1,40,000 रुपये का रहेगा, 2012 मॉडल है जी। भगवान भाई, ये कौन सी कंपनी का है आपका जनरेटर? ये कमिंस कंपनी का है जी, और ये 25 kVA रहेगा जी। और अगर हम मॉडल की बात करें तो 2010 मॉडल रहेगा, और प्राइस की बात करें तो 1,30,000 रुपये का रहेगा जी। भगवान भाई, हम आपका ये जनरेटर देख रहे हैं, महिंद्रा का है जनरेटर आपका ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये क्या कंडीशन का है जनरेटर? ओके है जी, ओके कंडीशन है। और महिंद्रा 4 सिलेंडर रहेगा ये, और 25 kVA रहेगा, 25 kVA जी। और अगर माइलेज की बात करें तो 2.5 लीटर से शुरू करेगा, 3+ रहेगा। मॉडल कौन सा होगा जी? अगर मॉडल की बात करें तो 2010 मॉडल रहेगा, और प्राइस की बात करें हम तो 1,40,000 रुपये का रहेगा। क्या कंडीशन इसकी थोड़ा सा? ओके है, मैं आपको दिखवाता हूँ, ये लीजिए। तो ओके कंडीशन रहेगी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी जनरेटर में वर्क होता है तो उसको हम यहीं कंप्लीट करा के देते हैं जी जी। कस्टमर को केवल बैटरी इंस्टॉल करनी है और कुछ नहीं करना है, लोड वगैरह ट्राई करा के देंगे। हाँ 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 जी, हाँ जी, पूरा लोड टेस्ट करके तभी देते हैं। भगवान भाई, एक जनरेटर हम आपका एक और देख रहे हैं, ये भी साइलेंट जनरेटर है आपका, तो ये किस कंपनी का है जी, कितने के? ये आइसर कंपनी का रहेगा, और 15 kVA में रहेगा, डबल सिलेंडर रहेगा। डबल सिलेंडर है। हाँ हाँ। कौन सा मॉडल रहेगा? अगर हम मॉडल की बात करें तो 2012 मॉडल रहेगा, लेकिन मॉडल 2012 है, वर्किंग की बात करें तो वर्किंग इसकी 1500 घंटे केवल है। हाँ। कीमत क्या माने जी? अगर इसकी प्राइस की बात करें हम तो 1,00,000 रुपये का रहेगा जी। भगवान भाई, ये भी आइसर का है आपका? हाँ, ये आइसर रहेगा, और 25 kVA रहेगा, और इसी को अगर हम 3-phase यूज करेंगे तो 30 kVA रहेगा। अच्छा, यानी सिंगल फेज में इस्तेमाल, इसमें दोनों फीचर रहेंगे, दोनों फीचर हैं। तो इसकी कंडीशन भीतर से क्या है, कौन सा सील्ड होगा, कितना चलेगा होगा? ये 2016 मॉडल रहेगा जी, और तो ये 2 सिलेंडर में क्या है? ये 3 सिलेंडर में रहेगा, 3 में है। हाँ, 25 kVA रहेगा, 3 सिलेंडर में रहेगा, 2016 मॉडल रहेगा जी। और प्राइस की अगर हम बात करें तो केवल 1,65,000 रुपये का रहेगा जी। प्रकाश भाई, हम आपका एक और जनरेटर देख रहे हैं, ये आइसर का है। हाँ, ये आइसर कंपनी का रहेगा जी। अच्छा जी, कौन सा मॉडल रहेगा, कौन सा, कितने kVA में है जी आपका जनरेटर, क्या कंडीशन है इसकी? ये 45 kVA, 45 kVA रहेगा, और वाटर कूल्ड रहेगा। वाटर कूल्ड रहेगा। हाँ, 30 कितना चल गया होगा इस जनरेटर, कितना क्या इसका कंडीशन रहेगा? इसका अगर हम मॉडल की बात करें तो 2012 मॉडल रहेगा जी, और वर्किंग की बात करें तो वो एक्यूरेसी में मेरे पास है नहीं, क्योंकि इसकी डिस्प्ले खराब है जी जी जी। हाँ, अंदर से क्या कंडीशन है? अंदर की कंडीशन की हम बात करें तो सेट सील्ड है अभी जी। तो क्या कॉस्ट क्या रहेगी फुरकान भाई? ये 2012 मॉडल रहेगा, वाटर कूल्ड रहेगा, 45 kVA रहेगा, और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये केवल 1,55,000 रुपये का रहेगा जी। फुरकान भाई, एक और हम आपका ये देख रहे हैं जनरेटर, ये किस कंपनी का है जी? ये आइसर कंपनी का है, और ये 40 kVA है। 40 kVA। हाँ, और एयर कूल्ड है, हम इससे पहले जो देख रहे थे वो वाटर कूल्ड था। अच्छा, ये एयर कूल्ड है। ये कितना चल गया हुआ, मॉडल कौन सा हुआ? हाँ हाँ, ये 2017 मॉडल है जी, और अगर वर्किंग की बात करें तो 2,500 से 3,000 घंटे चला हुआ है। और क्या कीमत रहेगी? और अगर प्राइस की बात करें तो ये 1,80,000 रुपये का रहेगा, सील्ड सेट है। ये देखिए, 3 सिलेंडर में है, 3 सिलेंडर में रहेगा, टर्बो के साथ रहेगा, क्रोमटन के साथ रहेगा, ये सब रहेगा। उधर से बनाते हैं, इधर के लिए रहेगा जी। फुरकान भाई, ये हम जनरेटर आपका देख रहे हैं, महिंद्रा कंपनी का है जनरेटर? हाँ जी, महिंद्रा कंपनी का रहेगा, और 15 kVA रहेगा, 15 kVA में। हाँ, तो ये क्या कंडीशन है, कौन सा मॉडल होगा, कितना चल गया होगा? अगर हम मॉडल की बात करें तो 2010 मॉडल रहेगा जी, और अगर हम
प्राइस की बात करें तो ये 1,10,000 रुपये का रहेगा। जी जी, कंडीशन इसकी थोड़ा देख लें। हाँ, कंडीशन दिखवाता हूँ आपको, एकदम ओके कंडीशन है, ये रहेगा। जी भगवान भाई, एक और हम आपका बड़ा जनरेटर देख रहे हैं, ये कितने केवी में है और क्या कंडीशन है इसकी, कौन सा? ये आइसर कंपनी का रहेगा जी, और मॉडल की अगर हम बात करें तो 2017 मॉडल रहेगा और 82 KV रहेगा, 82.5 KV ये रहेगा। कौन सा मॉडल होगा, कितना चल गया होगा, इसकी कंडीशन वैसे क्या, कॉस्ट क्या रहेगी जिसकी? हाँ, ये किसी भी कारण ये इंजन सीज हो गया था, तो इंजन रिपेयर हो गया है जी, मतलब इसको सील्ड नहीं कहेंगे हम जी। ये इंजन ओवरहाल हो गया है, लेकिन कस्टमर को इसमें कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होना था हमने करा दिया है, इसका रिंग पिस्टन स्लीव सब कुछ नया डाल दिया है। लेकिन अगर सील्ड कहें तो सील्ड नहीं कहेंगे, ये रिपेयर हो गया है, तो इसमें घंटे भी कोई मायने नहीं रखते। घंटे जो मायने रखते हैं वो वहाँ तक रखते हैं जब इंजन सेट कंपनी का खुलता नहीं है, तो क्या कीमत? जब एक बार खुल गया तो फिर उसको कोई घंटे मायने नहीं रखते। क्या कीमत रहेगी इसकी? हाँ हाँ, ये 82 KV रहेगा, 2017 मॉडल रहेगा, आइसर का रहेगा, वाटर कूल्ड रहेगा जी। और प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 3,20,000 रुपये का रहेगा जी। जी, अंदर अंदर से क्या पूछ? हाँ, मैं दिखवाता हूँ, बिल्कुल ओके कंडीशन रहेगी। मैं खोलता हूँ विंडो, ये रहेगा। बाकी कंडीशन इसकी फिट है, ओरिजिनल? हाँ, काम हुआ है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काम ओरिजिनल कराते हैं जी। जी फरकान भाई, आइसर के देखे हमने जनरेटर, ये तो किसी और दूसरी कंपनी का जनरेटर दिख रहा है? ये किर्लोस्कर कंपनी का है जी, और इसको HA2 कहते हैं जी। HA2 रहेगा और 15 KV रहेगा, और मॉडल की बात करें तो 2013 मॉडल रहेगा। वाटर कूल्ड है या नहीं? एयर कूल्ड रहेगा, पानी से ठंडा होगा। और प्राइस की बात करें हम तो ये रहेगा अपना 1,10,000 रुपये का। 1,10,000। हाँ, इसी में हम और थोड़ा नीचा मॉडल जाएंगे तो ये 80,000 रुपये तक का भी हमारे पास अवेलेबल है जी। दुकान भाई, एक और आइसर हम आपका देख रहे हैं जनरेटर, और हाँ, ये कितने केवी में है और किस रेंज का ये जनरेटर है, क्या इसकी खास बात है, क्या कॉस्ट रहेगी इसकी? ये आइसर कंपनी का रहेगा और 25 KVA रहेगा, 25 KVA, और एयर कूल्ड रहेगा। और मॉडल की अगर हम बात करें तो 2010 मॉडल रहेगा, और अगर प्राइस की बात करें तो 1,25,000 रुपये का रहेगा। जी फरकान भाई, ये जो आप कैनोपी रखते हैं जनरेटर की, वो कब से कितने तक की रखते हैं, और ख़ास बात आपकी कैनोपी में आपके यहाँ जो मरम्मत करते हैं आप जनरेटरों की, क्या बात खास होती है जो ग्राहकों को अच्छी खासी सुविधा मिले और बढ़िया काम जनरेटर करे? देखिए जी, मैं बुनियादी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ कि प्लस पॉइंट ये है हमारे लिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इंडिया में हैं और 125 करोड़ की आबादी वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ अगर हमारी बात में एक्यूरेसी है, आप झूठे आश्वासन मत दो, या बात में एक्यूरेसी रखो, क्वालिटी में दम है, तो मतलब काम की कमी नहीं है। अब मेरे पास 2,000 किलोमीटर तक का ग्राहक आता है, अब तो लोग झूठे सच्चे आश्वासन देते हैं, मैं कभी आश्वासन नहीं देता, जो मैं कर सकता हूँ वह उतना ही कहता हूँ। और अगर हमारे के जनरेटर में अगर हमें लगता है कि इसमें कमी है, तो हम रिस्क कवर नहीं करते, मतलब उसको यहीं चाहे कुछ भी कराना पड़े, मेरे पास पूरा मैनेजमेंट है। अगर इंजन ओवरहाल कराना है तो, वायरिंग करानी है तो, पेंट कराना है तो, डेंट कराना है तो, मतलब पूरा स्टाफ है मेरे पास, पूरा वर्कशॉप है, पूरा काम मैं यहीं करा के तभी कस्टमर को देता हूँ। आपके यहाँ जो जनरेटर खरीदता है उसकी गारंटी क्या रहती है, क्या कोई सर्विस कहाँ कहाँ तक देते हैं आप? हम सर्विस अगर हमारे लोकल सर्किल में है जनरेटर और बंदा हमारी सर्विस लेना चाहता है तो उसका हम विजिट लेंगे और सर्विस देंगे, और अगर अगर दूरी पे है तो फिर हम सर्विस नहीं दे पाते, क्योंकि मेरे जो भी मैंने आपको जनरेटर दिखाए या मेरे गोदाम में आप जो जनरेटर देख रहे हैं, ये मेरे अपने मॉडिफाई किए हुए जनरेटर नहीं हैं, सभी कंपनी के जनरेटर हैं,
और हर कंपनी का जनरेटर आपको पूरी इंडिया में कहीं भी मिलेगा, और इन्हीं कंपनियों के आपको ट्रैक्टर भी मिलेंगे, और इनके हर जगह पर ही मिस्त्री मिलेंगे और हर जगह ही इनके पार्ट्स मिलेंगे। अब जनरेटर पहुंच गया 2000 किलोमीटर, बंदा चाहे कि फुरकान भाई से सर्विस लूं, तो 2000 किलोमीटर सर्विस का मतलब है कि मेरी विजिट प्लस स्टे ये सब मेरा कई हज़ार रुपए खर्चा आ जाएगा, इतने में तो वहाँ का मिस्त्री उसको कर देगा। जी जी जी, ये सब रहता है। तो फुरकान भाई, काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि आप लोगों के फ़ोन नहीं उठते, तो आपको फ़ोन ग्राहक किस समय करें जिससे आपको पूरी जानकारी आपसे ले सकें, खरीद सकें जनरेटर और बढ़िया जो है सुविधा प्राप्त कर सकें? देखिए जी, लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं लोगों का आभारी हूँ। बाकी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्योंकि समय का अभाव रहता है, दिन में कस्टमरों से भी बात करनी होती है, वर्क भी देखना होता है, तो कई बार फ़ोन नहीं उठ पाता। बाकी लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें तो मैं आपको उनको रिप्लाई दूंगा। किस नंबर पे आप जो व्हाट्सएप चलता है आपका, किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं लोग? हाँ, उसके लिए मैं आपको कई नंबर दे देता हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो नंबर दे रहे हैं, ताकि जो ग्राहक आपसे जनरेटर खरीदना चाहते हैं, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे और आप सीधे उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं।